हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा। अगर हम ओवरलोडिंग वर्ड की बात करें तो ओवरलोडिंग इज मोर रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो जेनरिक मीनिंग था वो था मैनी फॉर्म्स। इसका मतलब एक चीज अगर आपकी मल्टीपल वेज के अंदर काम कर रही है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट्स बोलते थे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के केस में क्या होगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के केस में आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो विद डिफरेंट पैरामीटर्स। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज ए मैकेनिज्म बाय विच यू कैन डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स इन ए क्लास। एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स और वो कंस्ट्रक्टर डिफर करेंगे पैरामीटर्स से। पैरामीटर की जो लिस्ट है उससे वो डिफर करेंगे। अब पैरामीटर को हम डिफरेंट कब माने, उसके लिए हम मेथड ओवरलोडिंग को रिवाइंड कर लेते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग के केस के अंदर क्या था, या तो पैरामीटर जो है नंबर के अंदर चेंज हो जाए। जैसे एक मेथड के अंदर आपने दो पैरामीटर यूज किए थे, उसके बाद दूसरा सेम नाम से जब आपने मेथड बनाया तो उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर जो है आपने दो के बजाय तीन कर दिए। तो इस तरह से अगर नंबर चेंज हो रहा है पैरामीटर का तो हम मानेंगे कि पैरामीटर डिफर कर रहे हैं। दूसरा था कि टाइप, अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं अगर दो मेथड्स के अंदर सेम नाम से जो आपने मेथड बनाए हैं, लेकिन उसके अंदर अगर पैरामीटर की टाइप चेंज हो जाए, जैसे पहले आपने स्ट्रिंग ए लिया था उसके बाद आपने इंट ए ले लिया, तो इस तरीके से भी हम जो है हम मानेंगे कि जो पैरामीटर हैं वो डिफर हो गए हैं। और थर्ड वन इज पोजिशन या ऑर्डर, पोजिशन या ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले ले रखा था, यहाँ पे इसके अंदर आपने ले रखा था इंट ए और फिर ले रखा था स्ट्रिंग बी, और फिर क्या किया आपने दूसरी बार जब इस मेथड को बनाया तो फिर क्या कर दिया, स्ट्रिंग बी और इंट ए। तो अगर आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है इन पैरामीटर्स की या फिर ऑर्डर चेंज हो जाता है तो भी हम मानेंगे कि पैरामीटर डिफर हो गए हैं। तो ये जो तीन रूल थे मेथड ओवरलोडिंग के केस के अंदर, ये सेम तीन रूल जो है वर्क करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के केस में भी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास और क्लास का नाम देते हैं फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर। ओके, अब सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स जो डिफाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं आईडी, एक डेवलपर की एक एम्प्लॉय आईडी है। उसके बाद जो है हम ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का नेम, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम सिर्फ दो ही वेरिएबल रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा जावा डेवलपर। सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इनसाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ठीक है, उसके बाद हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आईडी। ठीक है, सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया आईडी और उसके अंदर हमने असाइन करा दिया उस लोकल वेरिएबल की वैल्यू को, इंस्टांस वेरिएबल को, दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। ठीक है, और यहाँ डिफॉल्ट की बजाय हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल दिया। ओके, अब क्या करते हैं, एक एंट्री पॉइंट बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जावा डेवलपर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जावा डेवलपर और डेव वन के नाम से रेफरेंस वेरिएबल बनाया और उसको एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया क्रिएट करके विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्टर लिया है वो लिया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को प्रिंट करा करके देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम क्या करा देते हैं, डेव वन है जो ऑब्जेक्ट वन है उसका नेम प्रिंट कराते हैं और आईडी प्रिंट कराते हैं। नेम और नेम के साथ में हमने ऑब्जेक्ट डॉट नेम ले लिया और फिर हम आईडी प्रिंट कराते हैं इसकी। आईडी और यहाँ पर भी हमने आईडी बता दी उसके, ठीक है। अब अगर आप प्रोग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है, क्योंकि एक हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आपने एक ही वैल्यू पास की है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमने सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस चेक करेंगे वन बाय वन। तो जावा डेवलपर से हमने सेव किया और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। ओके, अगर आप अभी देख रहे हो तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने की वजह से जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं नेम की और आईडी की वो आपके पास प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। अब अगर हमें जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कराना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जावा डेवलपर जो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया था इसके बजाय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पास करते हैं, आईडी, आईडी फॉर एग्जांपल 06, ठीक है, ये 06 हमने आईडी पास कर दी, या फिर आप 10 पास कर सकते हो इसमें। 06 के अंदर आपका जो प्रिंट होगा वो 6 ही होगा, इसलिए मैंने 10 लिया है यहाँ पे 10। तो अब क्या प्रिंट होगा आप देखते हैं, तो नेम की वैल्यू तो हमने इनिशियलाइज नहीं कराई है तो यहाँ पे जो है नल ही आएगा और आईडी की वैल्यू जो है वो आपकी 0 हो जाएगी, सॉरी 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 जो है हमने असाइन कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ओके। अब क्या नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट केस के अंदर हम देखते हैं कि अभी तो हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज किए हैं, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे एक पैरामीटर है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है कंस्ट्रक्टर के चेंज हो गए। तो अगर हमें टाइप चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट लिया हुआ है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक ही है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर एक ही रखा और इसके टाइप चेंज कर दी। टाइप के अंदर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का लिया हमने और यहाँ पे ले लिया हमने नेम। तो अगर अभी हमने प्रोग्राम के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया था, वो ऑब्जेक्ट था जब हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था विद दी आईडी पैरामीटर, लेकिन अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं इसके अंदर और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास करूं, यहाँ पे हमने नाम पास कर दिया चे और यहाँ पे डेव टू के साथ में हमने आईडी और नाम को प्रिंट कराया, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का नंबर दे देते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इनसाइड का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 1 और यहाँ हमारा जो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर जहाँ जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर है उसको हमने दे दिया 2। सेव किया प्रोग्राम को और सेव करने के बाद फिर से एग्जीक्यूट किया। जब आप फिर से एग्जीक्यूट करोगे तो अब आपके क्या होंगे, दो ऑब्जेक्ट बने हैं लेकिन दो ऑब्जेक्ट अलग अलग कंस्ट्रक्टर से बने हैं। अब हम चेक करते हैं लास्ट केस, जिस
केस के अंदर क्या था कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है, तो पोजीशन चेंज करने से भी आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफरेंट माना जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम, ये दो वेरिएबल जो है हमने ले लिए फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, और यहाँ पे हमने असाइन करा दिया दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। और उसके बाद क्या किया, जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसमें स्ट्रिंग नेम जो है वो पहले ले लिया और उसके बाद जो है आईडी ली, इंट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे आईडी असाइन करा दी दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो तो यहाँ 10 और 6 इस तरह से हमने वैल्यूज पास कर दी। और दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम पास कर देते हैं रॉक्सी, एंड यहाँ पे पास कर देते हैं ID 20, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हमारे से हो रखी है, यहाँ जो टेक्स्ट है वो हमें चेंज कर देना चाहिए था, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सेव किया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ अगर आप चेक कर रहे हो तो फिर से जो आपका कंस्ट्रक्टर 1 पहले कॉल हुआ उसने वैल्यू जय और 10 असाइन करा दी नेम और आईडी के कोरस्पॉन्डिंग, और फिर जो है जब आपने ऑब्जेक्ट 2 बनाया है, ऑब्जेक्ट 2 के केस के अंदर कंस्ट्रक्टर 2 कॉल हुआ और उसने रॉक्सी और 20 जो है नेम और आईडी के अंदर असाइन करा दिया। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।